राकेश डिकैत और फर्जी किसानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। देश में मौके बेमौके होने वाले किसानों के नाम पर आंदोलन की वैसे तो कई बार राजनीतिक पोल खुलती रही है, लेकिन ताजा घटनाक्रम में पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले संभू बॉर्डर को आंशिक तौर पर खोलने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, जिससे राकेश डिकैत की बोलती बंद हो गई है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि बॉर्डर को महिलाओं और बच्चों के लिए खोल देना चाहिए। इसके अलावा एम्बुलेंस, आवश्यक सेवाएं और स्थानीय यात्रियों को आवाजाही के लिए संभू बॉर्डर पर सड़क को आंशिक रूप से खोलने की आवश्यकता है। अदालत ने पंजाब सरकार से यह भी कहा है कि वह किसानों से बात करे और उन्हें संभू बॉर्डर से ट्रैक्टरों को हटाने के लिए राजी करे। बेंच ने पंजाब सरकार से प्रदर्शनकारी किसानों को संभू बॉर्डर पर सड़क से ट्रैक्टर को हटाने के लिए समझाने को कहा। न्यायपालिका ने कहा कि राजमार्ग वाहन पार्किंग के लिए नहीं है। इस तरह शीर्ष अदालत ने प्रदर्शनकारी किसानों पर कई तीखी टिप्पणी की, जो कई महीने से ट्रैक्टरों को लेकर संभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। अदालत ने संभू बॉर्डर पर सड़कों को आंशिक रूप से फिर से खोलने के लिए पंजाब हरियाणा के पुलिस महानिदेशकों से एक सप्ताह में पड़ोसी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है। वहीं आपको बता दें कि संभू बॉर्डर के भड़के हुए व्यापारियों का कहना है कि उन सभी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पिछले विरोध प्रदर्शन के दौरान भी हमारी दुकानें बंद थी और अभी भी घाटा हो रहा है। स्थानीय बाजारों में कुछ ही छोटे मोटे दुकानें चल रही है, लेकिन ग्राहकों की संख्या कम होने और जल्दी दुकानें बंद होने से उन्हें भी नुकसान हो रहा है। फैक्ट्री में काम करने वाले कई लोगों का कहना है कि किसान आंदोलन के कारण उन्हें और उनके साथ काम करने वाले स्थानियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहले उन्हें अपने घर से फैक्ट्री तक जाने में लगभग 30 से 40 मिनट लगते थे, अब उन्हें लगभग 2 घंटे लगते हैं। इसके अलावा फैक्ट्री में कच्चा माल नहीं आ सकता है, जिससे उन्हें और उनके साथियों को खाली बैठना पड़ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।